स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस। हमने जस्ट इसके जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें देखा था कि जो पैरेलल फोर्स है वह किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है, लाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स का भी हमने क्लासिफिकेशन भी किया था, अनलाइक फोर्स का भी मैंने क्लासिफिकेशन किया था, और लास्ट में मैंने ये भी बताया था ये जितना भी जो कुछ क्लासिफिकेशन मैंने किया है इसका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये इन्हीं जो पैरेलल फोर्स है इन्हीं पैरेलल फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला केस हमारा आएगा टू पैरेलल फोर्सेस आर लाइक, क्लियर है। जो पहला केस है इसमें हमारे दो पैरेलल फोर्स होंगे जो कि क्या होंगे, लाइक होंगे। हमें इस केस का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मान लीजिए यह हमारे पास एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स यह है F2 है, क्लियर। F1 और F2 दो फोर्स हैं, यह A पॉइंट पर लग रहा है और यह B पॉइंट पर लग रहा है, क्लियर है। ये दो फोर्स पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइक फोर्सेस, क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों बलों का, रिजल्टेंट R, वह किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 के, क्लियर है। F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। और यह जो रिजल्टेंट है हम मान लें कि यह रिजल्टेंट इस पॉइंट C पर एक्ट कर रहा है, क्लियर। इसको हम लोग मान लें R, जो कि F1 प्लस F2 के इक्वल है और हमारे इस C पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। अब हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। और हमें यह भी फाइंड आउट करना है कि यह जो रिजल्टेंट है इसकी लोकेशन कहां पर है, आखिरकार F1 से कितनी दूर है और F2 से कितनी दूर है, हमें इसकी लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको हम लोग एक इक्वेशन फर्स्ट दे दें, ठीक। अब हम लोग क्या करें, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करें, इन सारे बलों का मोमेंट ले लें। तो क्या करें, F1 का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट ले लें, F2 का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट ले लें, ठीक। फिर R का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट ले लें। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फोर्स F1 एंड F2 का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, मोमेंट लेने पर क्या आएगा, जब हम लोग F1 का O के सापेक्ष लेंगे तो कितना आएगा, फोर्स F1 इंटू O तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना आएगा F1 फोर्स का, F1 फोर्स का मोमेंट कितना आएगा, F1 इंटू F1 इंटू डिस्टेंस F1 से O तक की कितनी है, OB, क्लियर है। अब जब हम लोग, हाँ हमें एक चीज और ध्यान देनी है, यह F1 वाला फोर्स पॉइंट O के सापेक्ष कैसा मोमेंट बनाएगा, एंटी क्लॉक मोमेंट बनाएगा, तो इसलिए हमें इसको क्या लेना है, पॉजिटिव, क्लियर है। अब हम लोग फोर्स F2 का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट ले लें, तो क्या लिखेंगे, F2 फोर्स का मोमेंट कितना आ जाएगा, F2 इंटू यहां तक की दूरी कितनी है, AO, बट यह मोमेंट आपका क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का F2 इंटू डिस्टेंस ओ ए, क्लियर है। अब हमने F1 और F2 का मोमेंट निकाल लिया, बट जो हमारा आघूर्णों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वह क्या कहता है, वह कहता है किसी बॉडी पर लगने वाले समस्त बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, वह किसके बराबर होगा, वह होता है रिजल्टेंट का
उसी पॉइंट के अबाउट लिए गए मोमेंट के इक्वल होता है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है। तो हम लोग क्या करें, F1 का मोमेंट और F2 फोर्स का मोमेंट का क्या कर दें, बीजगणितीय योग कर दें, तो कितना आएगा, तो यहां पर लिखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ड्यू टू F1 फोर्स, F1 एंड F2 फोर्स। क्लियर है? तो हम लोग इसका जब मोमेंट का बीजगणितीय योग करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, F1 इंटू ओ बी माइनस F2 इंटू ओ ए के, हमारा यह मोमेंट का सम निकल कर आ गया। क्लियर है? इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड नाम दे दें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आघूर्णों का सिद्धांत क्या कह रहा था, कि समस्त बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का बीजगणितीय योग, वह उन बलों के रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट लिए गए मोमेंट के इक्वल होगा। तो क्या करें, आर का रिजल्टेंट, आर का पॉइंट ओ के सापेक्ष हम लोग क्या ले लें, मोमेंट ले लें। तो यहां पर इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर, क्या लिखेंगे हम लोग, रिजल्टेंट आर का पॉइंट ओ के सापेक्ष मोमेंट। क्लियर है? तो कितना आएगा, फोर्स आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आर की ओ तक की, ओसी है, तो कितनी आ जाएगी, ओसी। लेकिन हमें यह भी देना है कि मोमेंट आपका कैसा है, तो यहां से अब अगर हम लोग आर का मोमेंट ओ के सापेक्ष देखें तो कैसा है, ये एंटी क्लॉक है, तो ये हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर? अब आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार समीकरण दो और समीकरण तीन क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम लोग इक्वल कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट। क्लियर है? क्या लिखेंगे, F1 वन इंटू ओ बी माइनस F2 टू इंटू ओ ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, R इंटू ओ सी के। क्लियर है? और मैंने अभी जस्ट पिछले सबसे शुरुआत में ही निकाला था कि ये जो R है ये किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख दें, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इंटू ओ सी के। क्लियर? अब हम लोग इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये कितना आ जाएगा, F1 OB माइनस F2 OA इज इक्वल टू F1 OC प्लस F2 OC के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम लोग क्या करें, F1 इंटू OB। क्लियर? अगर हम लोग F1 को इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा, माइनस F1 इंटू OC इज इक्वल टू F2 OA को उस साइड ले जाएं, कितना आ जाएगा, F2 इंटू OA प्लस F2 इंटू OC के। अब देखिए यहाँ से हम लोग F1 कॉमन कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, F1 ब्रैकेट में इधर कितना आ जाएगा, OB माइनस OC आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से F2 कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा, OA प्लस OC आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, अब देखिए यहां से अगर हम लोग
देखें OB माइनस OC, अगर हम लोग OB में से इतनी OC घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, यह डिस्टेंस बचेगी, कितनी बचेगी, BC। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, F1 into BC इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, F2 into, अब अगर हम लोग OA में OC जोड़ दें, अगर हम लोग OA में OC जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, into AC के, क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग F1 अपॉन F2 निकालें तो कितना आ जाएगा, F1 अपॉन F2, तो यहाँ से आ जाएगा AC अपॉन BC के आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया कि जो हमारा F1 और F2 का रेशियो होगा वह किसके बराबर होगा, AC अपॉन BC के इक्वल होगा, क्लियर। अब देखिए अगर हम लोग इस, यह जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड आउट करें कि इस रिजल्टेंट का लोकेशन क्या होगा, तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इस रिजल्टेंट की लोकेशन। अब हम लोग इस रिजल्टेंट की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार इस रिजल्टेंट का लोकेशन क्या होगा, F2 से कितना दूर होगा और F1 से कितना दूर होगा। तो क्या करें, इस रिजल्टेंट का पॉइंट A के अबाउट क्या करें, मोमेंट ले लें। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट रिजल्टेंट एंड F1 एंड F2 फोर्सेस अबाउट पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, ए पॉइंट के अबाउट, क्लियर है। समस्त बलों और रिजल्टेंट का पॉइंट ए के सापेक्ष क्या करें, मोमेंट लेने। तो यहां पर देखिए F1 फोर्स का पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कितना आएगा, फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AB, तो कितना आ जाएगा, F1 into AB, क्लियर है। ये किसके कारण मोमेंट आएगा, फोर्स F1 का मोमेंट A के सापेक्ष, F1 फोर्स का मोमेंट A के सापेक्ष कितना आएगा, F1 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AB, बट F1 का मोमेंट, F1 फोर्स का मोमेंट A के सापेक्ष कैसा है, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, क्लियर। अब हम लोग F2 फोर्स का जब मोमेंट A के सापेक्ष लेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 फोर्स की पॉइंट A के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे F2 फोर्स का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए हमारा यह क्या बचा, रिजल्टेंट का मोमेंट ए के सापेक्ष और हमें लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट आर का ए के सापेक्ष मोमेंट, रिजल्टेंट आर का ए के सापेक्ष मोमेंट, ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट कितना आएगा, आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एसी, क्लियर। अब देखिए यहां पर आर इंटू एसी ये हमने लिखा है, इसको हम लोग इक्वेशन फोर दे दें और ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ हो जाए, क्लियर है। F1 का मोमेंट और F2 का मोमेंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मोमेंट
आघूर्णों का है, नियमानुसार क्या लिखेंगे, एफ वन इंटू ए बी इज इक्वल टू आर इंटू ए सी के, क्लियर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे F2 का मूवमेंट जीरो है, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो नहीं लिखा है, इससे आप लोग परेशान ना बिल्कुल हो, क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने निकाल लिया F1 into AB बराबर R into AC, ठीक। अब यहाँ पर हम यह मान लें कि F1 बराबर कितना है 5 न्यूटन, F2 बराबर कितना है 8 न्यूटन, क्लियर। तो और हम लोग इसको मान लें ए बी बराबर कितना मान लें 6 मीटर, और हम लोग ए सी बराबर कितना मान लें 2 मीटर, ठीक है, या ए सी को हम लोग ना माने, ए सी हम लोग नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, एफ वन प्लस एफ टू मतलब 13 न्यूटन आ जाएगी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है। देखिए R इज इक्वल टू किसके होगा, F1 प्लस F2 के, इसका मतलब यह जो R इंटू ए सी की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, F1 इंटू ए बी की। यहाँ से हम लोग F1 इंटू ए बी करें तो F1 कितना है 5 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू R कितना आएगा 13 इंटू, क्लियर है। अब देखिए 13 इंटू ए सी, अब यहाँ पर आपको देखना है इधर वैल्यू कितनी आ रही है 30 इज इक्वल टू 13 इंटू ए सी के, या ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा 30/13। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो ए सी की वैल्यू है वह ए बी से क्या आएगी, कम आएगी, क्लियर है। मतलब AC की जो वैल्यू है AB से कम आएगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिजल्टेंट होगा यह दोनों बलों के कहीं ना कहीं बीच में एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं या तो F1 के करीब होगा या फिर F2 के करीब होगा, लेकिन F1 और F2 के बीच में ही होगा, बाहर नहीं हो सकता कि इस तरीके से रिजल्टेंट कार्य करे, क्लियर। समझाने का मेन पर्पज यही था कि अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो हम लोग वहां पर उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा दोनों बलों के बीच से ही होकर पास होगा, दोनों बलों के उधर या इधर से किसी भी बल से नहीं होकर पास होगा, दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा उन्हीं दोनों बलों के बीच से ही होकर गुजरेगा। उम्मीद करता हूं यह जो हमारा पहला पार्ट था कि रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस यह क्लियर हुआ होगा। सेकंड केस की हम लोग बात करते हैं कि जो रिजल्टेंट है वह अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का क्या होगा और मैग्नीट्यूड उनका क्या है, अनइक्वल है। तो उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वह कितना आएगा, चलिए उसको समझते हैं।